सुमन, मैं जानती हूँ कि तुम अपने दादोसा के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? नहीं भाभी साहब, मेरे पास अपनी बहन को बचाने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं ही हूँ वो जिसने दादोसा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। सुमन, अपने झूठ बंद कर, तुम चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर की बेटी पर हाथ उठाने की? ये इस परिवार का पर्सनल मैटर है और तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। तुम सिर्फ एक शरणार्थी। तो शरणार्थी बनकर ही रहो, आइंदा अपनी लिमिट में रहो। कनक, फॉलो मी, मैं अभी यही हूँ। मैंने हमारे पड़ोसी डीएसपी दुर्गा प्रसाद गोयल जी के बेटे अभिषेक को भेजा है कमिश्नर जी के पास। अभी कुछ देर में पता चल जाएगा कि सच क्या है। उमा सा, कमिश्नर सर ने आपके खिलाफ हुई शिकायत की कॉपी भेजी है। धन्यवाद। तुम झूठ बोलना भी सीख गई हो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला दादू साहब। फिर झूठ? तुम्हारे झूठ का सबसे बड़ा सबूत यहाँ है, इस शिकायत के नीचे। शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम लिखा है और वो नाम तुम्हारा नहीं है सुमन। मैं जानती थी सुमन, तुम अपने दादू साहब के खिलाफ नहीं जा सकती। उमा किसका नाम लिखा हुआ है? तुम्हारा कनक। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। हाँ बैठिए ना, आपकी शिकायत दर्ज हो गई है, आप यहाँ साइन कर दीजिए। कनक इतने विश्वास से कह रही थी कि सुमन झूठ बोल रही है। तो इसका मतलब मैं सही था। बाजार में मैंने तुम्हें को देखा, दोपहर को घूंघट में। तुम इसीलिए गई थी पुलिस स्टेशन की तरफ, पर उस वक्त मैं समझ नहीं पाया कि तुम पुलिस स्टेशन के पास जाके अचानक से गायब कहां हो गई। पर अब समझ रहा हूं। नहीं उमा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बाजार में और वो भी घूंघट में। हाँ कनक, तुमने किसी और को देखा होगा। नहीं कनक, मैंने अपनी आंखों से देखा और तुम्हें वहां पर देखकर मुझे हैरानी भी हुई, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा भी किया। तुम पहले भी मेरे खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवा चुकी हो, अब फिर से यही दोहरा रही, बिना सोचे समझे। नहीं उमा, उमा ये गलत है,
मैंने तो आज पूरे दिन घर से बाहर कदम भी नहीं रखा और ये मेरे साइन नहीं है। उमा मेरी बात का विश्वास करो, ये सब मैंने नहीं किया है। उमा उमा मेरी बात तो सुनो। उमा सोच भी नहीं सकती कि तुम कनक के लिए अपने दादोसा से झूठ बोल सकती हो। पालोमी, कनक भाभी सा ने जो भी किया हमारे भले के लिए किया, और जब वो हमें अपना मान के हमारे लिए लड़ सकती है तो मैं उनका साथ इस लड़ाई में कैसे ना दूं? उमा, उमा मेरा विश्वास करो। उमा मैंने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की है, मेरा विश्वास करो ना। विश्वास तुमने तोड़ा है कनक। पहला झूठ कि तुम आज घर से बाहर नहीं गई जबकि मैंने आज दोपहर खुद तुम्हें बाजार में देखा। दूसरा झूठ कि तुमने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई। और कितने झूठ बोलोगी तुम? क्यों ये खेल खेल रही हो मेरे साथ? एक तरफ तुम सरस के लिए कल कृष्ण लीला की तैयारी कर रही हो और दूसरी तरफ चोरी छिपे जाकर मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उमा मैं फिर से कह रही हूँ, वो शिकायत मैंने नहीं करवाई। उस शिकायत पे लिखा हुआ तुम्हारा नाम पढ़ा है मैंने। क्या लगा था तुम्हें कि जैसे पुष्कर में तुमने मुझे जेल में भिजवाया वैसे एक बार फिर मुझे जेल भिजवाकर तुम इस कार्य को रोक लोगी? किसी भूल में मत रहना कनक। आज तक तुमने जो भी किया, जो भी मनमानी की, मैंने वो बर्दाश्त किया। पर अब और नहीं, मुझे धर्म के रास्ते से रोकने की तुम्हारी हर कोशिश बेकार हो जाएगी। सरस कल सेविका बनेगी और तुम चाह के भी उसे रोक नहीं पाओगी। उमा मैं कह रही हूं ना, मैंने आज पूरे दिन घर से बाहर कदम भी नहीं रखा। बस बहुत हुआ। मासा कुछ चाहिए आपको? मासा आप ठीक तो हैं? मासा कुछ कहना है आपको? उमा, मासा इस लेप के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। मासा, आप कुछ कहना चाहती हैं? तुम सबने देखा? मासा, मासा बात करने की कोशिश कर रही है। मासा, मासा, अच्छा, अगर आपकी हाँ है, तो आप पलक झपकाइए। मासा ने पलक झपकाई। सच में मासा इस लेप के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बताइए ना मासा, क्या कहना है आपको? मासा कोशिश कीजिए, हम समझेंगे। हाँ, कोशिश कीजिए। साहब मेरी तरफ इशारा कर रही हैं। तुम्हारी हथेली की तरफ हल्दी के निशान के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मासा, इस निशान के बारे में कुछ कहना है आपको?
दादू सा। उमा, तुमको तुम कुछ समझे कि मासा क्या कहना चाह रही है? मासा तुम्हारी इस हथेली पर लगे निशान की तरफ इशारा करके शायद ये कहना चाहती है कि ये लेप तुम्हें इन्हें लगाया है। हाँ, ये लेप मैंने इन्हें लगाया था दोपहर में। कनक, दोपहर में तुमने इन्हें लेप लगाया? हाँ। अगर दोपहर में तुमने इन्हें लेप लगाया तो फिर बाजार में वो जो औरत थी वो कौन थी? जबकि पुलिस स्टेशन की शिकायत का समय भी वही था। अगर तुमने मेरे खिलाफ ये शिकायत दर्ज नहीं करवाई तो फिर किसने करवाई? मासा, यही बताना चाह रही थी आप। पर उस शिकायत पर तो हस्ताक्षर तुम्हारे थे, अगर वो तुमने नहीं किए तो फिर किसने किए? वही बात तो मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ माँ, पर तुम हो कि समझ ही नहीं रहे। मैंने आज पूरे दिन घर से बाहर कदम भी नहीं रखा। बिना सोचे समझे तुमने मुझे झूठा कह दिया। कनक, उस शिकायत पर मैंने तुम्हारे हस्ताक्षर देखे और फिर तुम्हें जो भी गलत लगता है उसे रोकने के लिए तुम कुछ भी कर जाती हो। बस इसीलिए मैं जानता हूं मैं गलत था, मुझे माफ कर दो कनक। पति होने के नाते मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है उमा। वो सिग्नेचर्स देख के किसी का भी दिमाग घूम जाता, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हमारी मासा ने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। कौन कहता है कि हमारी मासा बीमार है? इतना तगड़ा खेल रचा, इतनी मेहनत की, सोचा बड़े पटाखे फूटेंगे, सब किए कराए पर पानी फेर दिया मासा ने। पर कनक, अगर तुमने मेरे खिलाफ वो शिकायत नहीं दर्ज करवाई तो फिर कौन ऐसा हो सकता है जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है? जिसने तुम्हारे खिलाफ ये साजिश की है वो पकड़ा जाएगा और इस घर पर नहीं रहेगा। उमा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। आज तो मासा ने तुमसे बात की, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उसके लिए मैं खुश हूं कनक, पर तुम्हारी गलती ना होने पर भी आज जिस तरह से मैंने तुम्हें सुनाया, गलत बर्ताव किया, तुम पर आरोप लगाए, वो सही नहीं था। पर उसके लिए तो आप ऑलरेडी माफी मांग चुके हैं पतिदेव। तुमने तो मुझे माफ कर दिया कनक, पर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। वो हस्ताक्षर और वो घूंघट वाली औरत दोनों एकदम तुम्हारे जैसे लगे। समझ नहीं आ रहा है कि मेरी आंखें धोखा कैसे खा गई। उमा, हम अपनी आंखों पर इतना भरोसा करते हैं कि कई बार भूल जाते हैं कि आंखों देखा हर बार सच नहीं होता। सही कहा तुमने। चलो अब सो जाते हैं, कल बहुत बड़ा कार्य है, जल्दी उठना होगा। सच में कल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर। कल मैं बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। उमा शंकर से बदले की चिंगारी को कल ऐसी हवा दूंगा, उसमें उमा शंकर का घमंड, उसका नाम, सब कुछ जल के राख हो जाएगा। आज मेरे लिए बहुत अहम दिन है। आज मुझे उमा की सोच को बदलना है। धर्म के अंधे भक्त को
एक अच्छा भाई बनाना है, तभी मैं एक निर्दोष की जिंदगी को बलि चढ़ने से बचा पाऊंगी। आज मेरी अग्नि परीक्षा है। मेरे मन में पनप रहे वंश के प्रेम को जड़ से मिटाना है। इन भावनाओं का त्याग करके ही मैं सही अर्थों में सेविका बन पाऊंगी। आज मैं मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। आज सरस्वती को दुल्हन बनाऊंगा। तरीका चाहे जो भी हो, बहना को उमा से आजादी दिलाने का यही एक मौका है मेरे पास। नियति ने अपने पासे फेंक दिए, अब सब अपना दिमाग लगा देंगे। जीत की चौखट तक पहुंचने के वास्ते जोर लगावेंगे। आज सब अपना अपना खेल खेलेंगे। तो जीतेगा कोई एक, अब हमारे सिवा कोई और ना हो सके। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।